तो कैसे हो भाई साहब? मिनट में आज आप सभी लोग देख रहे हैं टेकी भाई साहब। आज हम बात करेंगे जियो के जियो फाइबर पोस्टपेड प्लान्स के बारे में। जी हां दोस्तों, जियो ने यहां पर जियो फाइबर के पोस्टपेड प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। और यहां पर आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि जियो फाइबर के पोस्टपेड प्लान्स में हमें क्या अलग मिलता है, कैसे ये जियो प्रीपेड प्लान से अलग है और यहां पर क्या हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर हम जियो फाइबर का पोस्टपेड प्लान ले तो। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, कंटेंट हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा अपडेट पाने के लिए, हर एक चीज का अपडेट लेने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हर चीज हम वहां पर करते हैं जो यहां पर यूट्यूब पे नहीं करने को मिलता है। तो भाई साहब, जियो फाइबर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, आप में से बहुत से लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हो, तो ऐसे में आपको कैसा सर्विस मिल रहा है? अगर आप यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि दूसरे को यहाँ पर पता लगे कि उनको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं जियो फाइबर के पोस्टपेड प्लान्स के बारे में। अब देखो, प्लान्स में यहाँ पर कुछ मेजरली डिफरेंसेस नहीं है। वही 399 का प्लान मिलेगा, वही आपको 699 का प्लान मिलेगा, वही आपको 999 का प्लान मिलेगा, 1499 का वही प्लान मिलेगा। बेनिफिट्स में भी कोई भी अंतर नहीं है, वैसा ही स्पीड मिलेगा आपको, 30 Mbps, 100 Mbps, 150 Mbps, यहाँ पर उसके बाद 300 Mbps, वैसा ही स्पीड आपको हर एक प्लान्स में मिल जाएगा। प्लान्स में कुछ भी चेंजेस यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप जब भी जियो फाइबर कनेक्शन लेते हो एज ए पोस्टपेड कनेक्शन, तो आपको वहां पर कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, आपको कोई भी सेटअप बॉक्स के लिए चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी राउटर के लिए आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहां पर नहीं लिया जाएगा। अब देखो, प्लान सारे के सारे वही हैं, तो वही 399, वही 699, ये सारे प्लान्स में आपको अलग से GST पे करना पड़ता है। अब अगर आप लेते हो पोस्टपेड कनेक्शन, तो आपको यहाँ पर 30 डेज का यहाँ पर फ्री ट्रायल मिलेगा, लेकिन ये कनेक्शन लेने के लिए आपको ₹1000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, और वही एकमात्र यहाँ पर आपसे पैसा लिया जा रहा है। उसके बाद आपको 30 डेज का यहाँ पर ट्रायल दिया जाएगा, और उस 30 दिनों के अंदर आपको सर्विस अच्छा नहीं लगता है तो आप जियो का सब कुछ वापस करके आप अपना ₹1000 यहाँ पर वापस ले सकते हो। अब ऐसे में प्लान्स में वगैरह में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, तो बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे भाई साहब? ये सारे चीज आपको मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर 1 month का प्लान का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको मिनिमम 6 महीनों के लिए प्लान लेना पड़ेगा, 6 महीने, 1 साल, ऐसा कुछ यहाँ पर प्लान्स हैं। यहाँ पर सेमी एनुअल और एनुअल प्लान ही रखा गया है, लेकिन अगर आप 6 महीनों के लिए प्लान लेते हो तो आपको यहाँ पर 15 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी, यानी कि आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा यूजेस मिल जाता है। जो भी प्लान आपका रहेगा उसी प्लान का आप 15 दिन एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो। और अगर आप 1 साल के लिए लेते हो, 12 महीनों के लिए लेते हो, तो यहाँ पर आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा यूजेस मिल जाएगा। आप 30 दिनों तक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो, अदरवाइज इस पोस्ट पेड प्लान्स में कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जियो फाइबर के प्रीपेड प्लान्स और पोस्टपेड प्लान में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, सारे प्लान्स में आपको GST अलग से पे करना पड़ता है, तो इस बारे में थोड़ा सा आप जान लो। अब यहां पर एक चीज है कि आप मानो 6 महीनों के लिए यहां पर अगर आप कनेक्शन लेते हो, तो आपको हर एक छः महीने में यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, आपको मंथली पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर आप पे नहीं भी कर रहे हो तो आपका सर्विस यहाँ पर नहीं कटेगा। यही एक पोस्टपेड कनेक्शन में एक बेनिफिट है, जो कि प्रीपेड में आप रिचार्ज करोगे तो ही आपका यहाँ पर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और ऐसे में पोस्टपेड में एक डीमेरिट भी है, मानो आप डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो फिर भी आपने रिचार्ज नहीं करवाया, आपका तो ऑटोमेटिक वो चलता रहेगा, बिलिंग साइकिल में वो ऐड होता रहेगा। तो ऐसे में आप यूज़ करो ना करो, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। अब पोस्टपेड या प्रीपेड ये पूरा पूरी आप पर है, बशर्ते यहाँ पर आपको ₹1500 का बचत हो रहा है, जो कि आपको नॉर्मल अगर आप कनेक्शन लेते हो प्रीपेड का तो वहाँ पर आपको ₹2500 देने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको ओनली ₹1000 देना पड़ रहा है, बशर्ते आपको 6 महीने या फिर 1 साल के लिए प्लान लेना पड़ेगा, अदरवाइज इस पोस्टपेड कनेक्शन में कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो जियो के पोस्टपेड प्लान के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कमेंट करके बता देना। दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर देना, वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करके ही जाना। तो दोस्तों, मिलता हूं फ्रेश नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।